नमस्कार दोस्तों, मंथन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात करेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी, और ये क्लास अपन रेगुलर रखेंगे। आप बराबर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों या स्टेट लेवल के हों, हर एग्जाम के लिए अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो दोस्तों देखियो, आपके सामने दो शब्द हैं। एक शब्द क्या है? इंडिया। और दूसरा शब्द क्या है? ज्योग्राफी। पहले हम इन दोनों शब्दों को समझेंगे। इनमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिया, क्लियर? क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी किसकी पढ़ रहे हैं? इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया शब्द से, क्लियर? तो आपसे बहुत ही छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहा हूं शुरुआत में। आपसे कोई पूछता है कि इंडिया क्या है, आपका क्या जवाब रहेगा? आपका जवाब रहेगा इंडिया एक देश है, क्लियर? जबकि आपने देखा कि राजनीति विज्ञान की भाषा में अक्सर देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? तो आपने बताया कि इंडिया एक देश है। आगे इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और रख रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत है वो एक देश या एक राज्य कब बना? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा कि देश या राज्य उसे कहते हैं जिसके चार अंग बताए गए हैं, जैसे उसके पास एक निश्चित भूभाग हो, उसमें रहने के लिए जनसंख्या हो, उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए सरकार हो, और सरकार कैसी हो? संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब है जिस पर बाहरी और आंतरिक रूप से किसी दूसरे का नियंत्रण ना हो। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अपना भारत है वो एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे सामने एक हमारा सुसंगठित राष्ट्र जो आता है, उस राष्ट्र की हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसके लिए प्राचीन समय में कई नामों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडिया के नामकरण की बात करूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी का अर्थ समझाऊंगा, और उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की अपन बात करेंगे। आइए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया या भारत के नामकरण की। तो इसमें अपन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो बात करते हैं अपन प्राचीन समय की। किसकी बात करते हैं? प्राचीन समय की बात करते हैं, क्लियर? एक बात करते हैं अपन वर्तमान की। किसकी बात करते हैं? वर्तमान की। तो दोस्तों, वर्तमान को मैं ये भी कह सकता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? संवैधानिक दृष्टि से। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में अपने देश के लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने नाम सुना है, नंबर एक आर्यव्रत नाम सुना है आपने, क्लियर? नंबर दो पे मैं आपसे बात करता हूं, आपने नाम सुना है हिंदुस्तान, क्लियर? नंबर तीन पे मैं आपसे बात करता हूं, आपने नाम सुना है इंडिया। और नंबर चार पे दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं, आपने नाम सुना है भारत। इसके अलावा देखो, धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण इसे सोने की चिड़िया भी कह दिया जाता था। लेकिन ये वर्तमान या मैं संवैधानिक दृष्टि से बात करूं तो अपने देश के लिए हमारे संविधान में दो ही नामों का प्रयोग किया गया है, और वो दो नाम कौन से हैं? एक तो है इंडिया और दूसरा नाम क्या है? भारत। हमारे संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है और भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का एक संघ है, क्लियर? तो दोस्तों, संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के दो नाम है, लेकिन प्राचीन समय में इस प्रकार कई नामों का हमारे देश के लिए प्रयोग किया गया है। इनको समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों आर्यावर्त शब्द को लेकर, कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। तो इसका सबसे सटीक जवाब आप पहले ही दे देते हैं कि आर्यावर्त नाम है
ये आर्य प्रजाति के कारण पड़ा। किस आधार पर पड़ा? आर्य प्रजाति के आधार पर पड़ा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में अपन समझते हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये कौन अपना? भारत है, क्लियर। और इधर से ध्यान से सुनना, इधर ये वर्तमान में पाकिस्तान, और ये कौन सा देश है? अफगानिस्तान। लेकिन जब अपन प्राचीन समय की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ये दीवार है, ये अपन हटा देंगे, क्लियर। ये दीवार अपन ने हटा दी, ये पहले पूरा एक भारत। और इधर से देखो ये कौन सी नदी बहती? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। दोस्तों जैसे आपने पढ़ा है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव, जिसे अपन होमो स्पेशियन कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप में हुई है, क्लियर। उसी तरह से आपसे बात करूं कि अपने भारत में सबसे पहले भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है उसका विकास कहां हुआ? तो आप क्या कहते हो? सिंधु क्षेत्र में हुआ, क्लियर। जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का जो ये क्षेत्र है, इसे किस नाम से? सिंधु क्षेत्र। और यहां सबसे पहले अपने भारत की प्राचीनतम मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये अफगानिस्तान, इसके इधर यहां पर ये है मध्य एशिया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मध्य एशिया क्षेत्र। और ये कौन सा पर्वत फैला हुआ दोस्तों? तो आप क्या कहोगे? हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की पश्चिम में स्थित ये जो श्रेणियां हैं इनको अपन क्या कहते हैं? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि हिंदू कुश पर्वत वर्तमान में कौन से देश में? तो यदि आपसे वर्तमान की बात करता है तो आपका जवाब क्या रहता है? पाकिस्तान में है, क्लियर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और पूछ देता है और पूछता है आपसे कि हिंदू कुश पर्वत है ये किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है दोस्तों, यहां से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दर्रा कौन सा है? आप क्या कहोगे? खेबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? खेबर दर्रा। जो पर्वत श्रेणियों में जो पास होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? दर्रा। और ध्यान से सुनना, अब अपन बात किसकी कर रहे थे? आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम किस आधार पर पड़ा? आर्य प्रजाति। आपसे पूछता कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान कौन सा था? तो आप क्या कहोगे? मध्य एशिया। ये आर्य प्रजाति पहले कहां बसती थी? इस मध्य एशिया में बसती थी, और इसी मध्य एशिया से इस आर्य प्रजाति का फैलाव हुआ, और धीरे धीरे फैलती हुई इसने अपने भारत में प्रवेश किया। और भारत में आकर ये आर्य प्रजाति सबसे पहले कौन से क्षेत्र में बसी? सिंधु क्षेत्र में। अब देखना यहां से कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहली चीज ध्यान से सुना दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। आपसे पूछता है कि आर्य भारत में कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किया आर्यों ने? तो आर्यों ने भारत में खेबर दर्रे से होकर प्रवेश किया। अब खेबर दर्रे को भी पॉइंट आउट करके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकाल लेता है, नंबर एक। नंबर दूसरा आपसे पूछता है, वर्तमान की बात कर ले कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? खेबर दर्रा, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछ लेता है कि अफगान आक्रमणकारी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अफगान आक्रमणकारी भारत पर जब आक्रमण करते थे तो वो कौन से दर्रे से होकर आते थे? आपका जवाब क्या रहेगा? खेबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछता है, भारत और मध्य एशिया के बीच प्राचीन समय में जो व्यापार होता था वो कौन से दर्रे से होकर होता था? तो भी आपका जवाब क्या रहेगा? खेबर दर्रा। और खेबर दर्रा ये कौन से पर्वत श्रेणियों में है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों में है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां हिमालय का ही एक भाग है, और यहां से आकर ये आर्य हैं, ये सिंधु क्षेत्र में बस गए थे, क्लियर दोस्तों। और यहां पर आकर इन्होंने स्थाई मानव सभ्यताओं को जन्म दिया। देखो पहले अपने भारत की जो प्राचीनतम प्रजाति थी जिसे अपन द्रविड़ कहते हैं, वो लोग यहां पर गुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। उनके बीच में समाज और परिवार नाम की कोई चीज नहीं थी। इन आर्यों ने उन द्रविड़ों को यहां से खदेड़ दिया, और वो द्रविड़ धीरे धीरे सिंधु क्षेत्र को छोड़कर कौन से क्षेत्र में आ गए?
गंगा क्षेत्र में। और आज द्रविड़ों की सबसे बड़ी तादाद है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपका जवाब क्या रहेगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर। और यहां पर ये जो आर्य प्रजाति है ये बसी, इसने स्थाई मानव सभ्यताओं को जन्म दिया और इन्हीं आर्यों के नाम पर दोस्तों अपने देश का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त। यदि अपन आज की बात करें, जो अपन है, अपने बारे में पूछे कि अपन कौन है, तो दोस्तों अपन मूल रूप से जो प्राचीन समय के मूल रूप से इंडियन नहीं है, अपन है हाइब्रिड। कैसे है? हाइब्रिड, बहुत सारी प्रजातियों का सम्मिश्रण होने के बाद हम इस ये हमारी ये प्रजाति है ये अस्तित्व में आई है। क्लियर। इसके बाद देखो दोस्तों, आपसे आगे बात करता है नंबर दो पे हिंदुस्तान को लेकर। किसको लेकर बात करता है दोस्तों? हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान, ये नाम किसने दिया आपसे ऐसे पूछता है, तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानियों ने। किसने दिया दोस्तों? ईरानियों ने दिया। ये जो ईरानी है, ये इन्होंने सिंधु नदी को, कौन सी नदी को? सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। क्या कहा दोस्तों? हिंदू नदी कहा। क्योंकि ईरानियों ने ये अपनी भाषा में स का उच्चारण किसमें करते हैं? है में। किसमें करते हैं? है में। और इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कह दिया दोस्तों? हिंदुस्तान कह दिया। क्या कह दिया? हिंदुस्तान। आज भी मैं आपसे बात करूं कि अपने राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, आज भी इन ईरानियों की भाषा, और इन ईरानियों की भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। इसका प्रभाव आपको आज भी देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं इधर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यहां के लोगों को आप कहो सड़क, क्या कहोगे? सड़क। ये सड़क का उच्चारण आज भी किसमें करेंगे? हड़क बोलेंगे। सड़क को क्या बोलेंगे? हड़क। इनकी भाषा में भी आज कौन सी भाषा झलकती है? कुछ शब्द में फारसी भाषा। तो ध्यान रखना आप दोस्तों, यहां से भी कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आपसे पूछा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, आपने क्या कहा? ईरानियों ने। क्लियर। ईरानियों की भाषा फारसी भाषा, और फारसी भाषा में स का उच्चारण किसमें करते हैं? है में। और इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी। और क्षेत्र को दोस्तों क्या कह दिया? हिंदुस्तान। इस तरह से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। उसके बाद यदि अपन बात करें इंडिया शब्द को लेकर, ये शब्द को लेकर बात करें दोस्तों, इंडिया, तो ये इंडिया शब्द है ये किसने दिया आपसे ऐसे पूछ लेता है। कौन सा शब्द? इंडिया। तो इंडिया शब्द है ये यूनानियों ने दिया। किसने दिया? यूनानियों ने। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात करूं अपनी भाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी भाषा की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा को। किसको माना जाता है? संस्कृत। उसी तरह से इन यूनानियों की भाषा कौन सी है? ग्रीक, या इसे अपन क्या कहते हैं? लैटिन। कौन सी भाषा? ग्रीक या लैटिन। और इन्होंने ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा दोस्तों? आप क्या कहोगे? इंडस रिवर। क्या कहा? इंडस रिवर। ध्यान से सुनना, यूनानी, यूनान की राजधानी क्या थी? एंथ्रेस। आपने जैसे पढ़ा होगा ओलंपिक, ओलंपिक का नाम तो सुना होगा। ओलंपिक की शुरुआत, ओलंपिक गेम होते हैं प्रति चार वर्ष में होते हैं। कितने साल में होते हैं दोस्तों? चार वर्ष में होते हैं। ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। और पहले ओलंपिक गेम कहां खेले गए थे? यूनान की राजधानी एंथ्रेस में खेले गए थे। और वहां पर ये गेम ओलंपिया पर्वत पर हुए थे। कौन से पर्वत पर हुए थे? ओलंपिया। और उसी आधार पर इन पर्वत का नाम क्या पड़ा दोस्तों? ओलंपिक, सॉरी, इन गेम का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक। और ये यूनानी है, इनकी भाषा कौन सी है? ग्रीक या लैटिन। और इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा दोस्तों? इंडस रिवर। आज भी यदि आप इंग्लिश का एटलस उठा के देखते हो तो आप उसमें कहीं भी आपको सिंधु नदी नाम नहीं मिलेगा, आप ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंडस रिवर। क्लियर। और नदी को तो उन्होंने इंडस रिवर कह दिया, और इसके जो क्षेत्र था, इसके आसपास का क्षेत्र था, उसको क्या कहा? इंडिया। और भविष्य में ये इंडिया क्षेत्र है एक विस्तृत भूभाग के लिए प्रयोग होने लगा। और इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल यदि मैं आपसे बात करता हूं किसकी? भारत की। सुनो, किसकी बात करता हूं? भारत की।
तो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि राजा राजा भरत के नाम पर, किसके नाम पर, राजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा है दोस्तों, भारत पड़ा है। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, कॉमन सी, आपसे ऐसे पूछ लेता। जैसे अभी हाल ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था, और एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द है, इसका निर्माण कौन सी भाषा से हुआ है। तो इंडिया शब्द है, इसका निर्माण ग्रीक या लेटिन भाषा से हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, ये तो अपन ने बहुत ही बेसिक सा फंडा किया है कि अपने भारत का नामकरण, क्लियर। अब जिस भारत की अपन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसकी स्थिति कहां है। इस दुनिया में यदि हम इस इंडिया को देखना चाहें तो ये हमारा भारत है, इस पूरे विश्व में कहां स्थित है। इसके लिए एक बार ध्यान से सुनना, आपके सामने दोस्तों ये एक पूरे विश्व का मानचित्र है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। इस विश्व के मानचित्र पर ध्यान से सुनते चलो, आप देखते चलो। ये आपके सामने क्या है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर देखो, इधर ये यूरोप, और इधर आप देखोगे दोस्तों ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। इधर ये यूरोप और ये एशिया महाद्वीप, ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इधर आप देखोगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, क्लियर। और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये कौन है, अंटार्कटिका। तो आपके सामने ये विश्व का मानचित्र है। आप देखोगे जब सीधा मानचित्र आपके सामने है तो दोस्तों मानचित्र का टॉप वाला सिरा कौन सी डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में देखोगे आपको कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी, साउथ। और राइट एंड वाला पोर्शन हमेशा ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे तो आपको कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी, वेस्ट। ये इस मानचित्र की चार प्रधान दिशाएं हैं। इसमें देखो ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया। ये कौन सा महाद्वीप है, यूरोप, क्लियर। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, क्लियर। ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसके बाद ये देखो ये कौन है, अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। आपके सामने ये सात महाद्वीप हैं, और यदि इनको क्रम से लिखना चाहें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन है, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 पे कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। अब अपन को यह देखना था कि अपना जो भारत है इस विश्व में इसकी लोकेशन कहां पे है। तो अपन देख रहे हैं दोस्तों ये अपना भारत है, अपना भारत है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। जिसकी ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं अपन को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा महाद्वीप में है। तो आप क्या कहोगे, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में भी इसकी डायरेक्शन पूछता है, आपको पता है इधर से ये कौन सा महाद्वीप निकल जाता है, यूरोप। अब आप एशिया महाद्वीप की डायरेक्शन बनाओगे, मैंने अभी बताया था आपको कि यदि सीधा मानचित्र आपके सामने है तो मानचित्र का टॉप वाला सिरा हमेशा कौन सी डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में देखोगे साउथ, राइट एंड हमेशा ईस्ट, ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट। ये चार डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रही, चारों दिशाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनमें आपको पूछा जाए कि अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है, तो आप क्या कहोगे, भारत है वो एशिया महाद्वीप के साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में स्थित है। अब दक्षिण दिशा में भी देखो इसकी सब दिशाएं निकलती हैं, ये आता है आपके सामने नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, और ये आता है आपके सामने नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आपसे पूछता है कि दक्षिण दिशा के नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में या दक्षिण दिशा के मिड में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपना जो भारत है वो दक्षिण दिशा के मध्य में स्थित है, क्लियर। और अपने भारत के दक्षिण में आप ध्यान से सुनना, ये एक महासागर फैला हुआ है, और ये कौन सा महासागर है, आपका जवाब क्या रहेगा, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेता एक छोटा सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का पुराना नाम क्या था। हिंद महासागर को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था या बोला जाता था? तो आप क्या कहोगे? इसका प्राचीन नाम रत्नाकर था। क्या था दोस्तों? रत्नाकर। क्लियर? तो हम जिस इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो इंडिया एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के मध्य में है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपसे पूछता है कि इंडिया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा बड़ा देश है? सातवां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है? दूसरा बड़ा देश है। इतने बड़े विशाल भूभाग वाले इंडिया की हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वो सब भौगोलिक विशेषताएं विद्यमान है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या किसी भी लैंड के ऊपर आपको उपलब्ध हो सकती है। वो सारी की सारी भौगोलिक विशेषता या विद्यमान है, इसलिए इंडिया और इसके आसपास के क्षेत्र को अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप की इसको संज्ञा दी गई है। क्लियर दोस्तों? तो यहां से एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूं। आपने देखा कि भारत है वो विश्व का सातवां बड़ा देश कौन सा है, तो आपसे पूछ लेता है कि छह बड़े देश कौन से हैं, तो आप नंबर एक पे किसका नाम लेते हैं? रूस। क्लियर? जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसके बाद नंबर दो पे देखो, ध्यान से सुनो दोस्तों, इधर से सीधे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टॉप में आ जाओ। यहां पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टॉप में नंबर दो पे यहां कौन मिलेगा आपको? कनाडा। तो विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्लियर? तीसरा बड़ा देश जस्ट आप रूस के नीचे देखो, इधर कौन मिलेगा आपको? चीन। तीसरा बड़ा कौन है? चीन। चौथा बड़ा देश कौन सा है? तो आप कनाडा के जस्ट नीचे देखोगे, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? तो चौथा बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा बड़ा देश आपसे पूछता है तो इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहां आ जाओ, और ये दोस्तों ये देश कौन सा है? ब्राजील, जो विश्व का पांचवा बड़ा देश है। और छठा बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन है? अपना इंडिया। आठवें नंबर पे यदि आपसे पूछे तो कौन आ जाता है? अर्जेंटीना। कौन आ जाता है? अर्जेंटीना। इस तरह से देखो सात बड़े देश हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा। इसी तरह से अपन ने देखा दोस्तों, अपना जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है वो चीन की है, चीन के बाद अपने भारत की है। क्लियर? ये तो आपने एक नंबरिंग सिस्टम पे देख लिया है कि सेवंथ नंबर की बिगेस्ट कंट्री है जो एरिया की दृष्टि से, वो कौन है? इंडिया। आपसे पूछ लेता है भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? यहां पर 2.4% भाग पर। क्लियर? हमारा जो भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो आपका जवाब क्या आया था? 2.4% भाग पर। और यहां पर विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो यदि मैं आपसे 2011 की जनगणना के आधार पर बात करूं तो अपने देश में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करता है। तो दोस्तों यहां आज मेरा जो बताने का मेन उद्देश्य था वो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक और ऐसा इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हर विद्यार्थी जानता है। क्लियर? तो इसमें मेरे हिसाब से ना कोई कंफ्यूजन, ना टाइम वेस्टिंग और ना ही किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा, यहां से आपको बेस तैयार करना है। और अब आपकी इतनी समझ में आ गई होगी कि जिस देश की हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो हमें विश्व में कहां दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो क्लास अपन बात करेंगे वहां से हम रियल ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे, और वहां से हम कौन से शब्द को समझेंगे दोस्तों? ज्योग्राफी शब्द को समझते हुए और इंडिया की ज्योग्राफी में प्रवेश कर जाएंगे कि ज्योग्राफी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ज्योग्राफी के कौन कौन से पार्ट हैं, यहां से हमारी वास्तविक ज्योग्राफी शुरू होगी। तो दोस्तों बराबर बने रहें और जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।